इस कहानी की शुरुआत हमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स के ग्रुप को दिखाते हुए होती है जो अपनी अभी भी ट्रेनिंग कर रहे थे। ये वो समय होता है जब हम इंसान प्रॉपर तरीके से रॉकेट अंतरिक्ष में नहीं भेज सकते थे, इसीलिए अंतरिक्ष से रिलेटेड सारी चीजों को स्टडी करने के लिए वाल्टर और उसकी टीम ने अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए जमीन के अंदर एक ऐसा बंकर बनाया था जहाँ पर वो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग कर सके। इस बंकर के अंदर सेम टू सेम उसी तरीके के एनवायरनमेंट मौजूद होंगे जैसे कि अंतरिक्ष में होते हैं। वाल्टर इस खतरनाक ट्रेनिंग के लिए कुछ एस्ट्रोनॉट्स को चुन लेता है। उन एस्ट्रोनॉट्स को बंकर के अंदर लगभग 400 दिन तक रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल हो रही थी क्योंकि एस्ट्रोनॉट पर किया जाने वाला ये मिशन काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला था। और अब देखते ही देखते वो सारे एस्ट्रोनॉट्स बंकर के अंदर जाकर अपने पहले दिन की शुरुआत करते हैं। बंकर में मौजूद सारी चीजें सिमुलेशन थी अंतरिक्ष की, जो सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करती थी। उन एस्ट्रोनॉट्स के कैप्टन का नाम कूपर होता है। अब हमें यहाँ कॉल नाम का एक दूसरा एस्ट्रोनॉट दिखाया जा रहा था जो कि अपने दोस्त बेन से बात करता रहता है। हालांकि उन दोनों में ज्यादा दोस्ती नहीं थी, पर वो दोनों कैसे भी करके 400 दिनों को अच्छे से गुजारना चाहते थे। अब सारे एस्ट्रोनॉट्स मिलकर उस सिमुलेशन की मदद से अपने स्पेसशिप को अंतरिक्ष के अंदर पहुंचा रहे थे, लेकिन किसी टेक्निकल खराबी होने के कारण उनके पेलोड्स बाहर ही नहीं निकल रहे थे, जिसके बाद उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स का पता चल गया था। कमांडर वाल्टर उनसे कनेक्ट करते हैं और उन्हें सारी चीजें बताते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। और अब वाल्टर के कहने पर सारे एस्ट्रोनॉट्स अच्छे से काम करने लग जाते हैं, जिससे कि उनका पेलोड अच्छे से निकल गया और वो आगे बढ़ने लगे। इस कंडीशन में पूरे 400 दिन रहने के कारण उनका पूरा टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही साथ इससे इंसानों को असली एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसका अंदाजा भी हो सकता था। अब यहाँ एमिली नाम की एक एस्ट्रोनॉट सभी का बायोमेडिकल टेस्ट कर रही थी। ये टेस्ट एमिली को टाइम टू टाइम करना पड़ता था ताकि वो बाकी एस्ट्रोनॉट के हेल्थ पर जांच कर सके। एमिली ने जैसे ही अपने कैप्टन कूपर की बॉडी को चेक किया, तब उसे पता चलता है कि कूपर बहुत ही ज्यादा घबराया और डरा हुआ है क्योंकि उसके हार्ट बीट्स काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं। दरअसल बात ये थी कि कूपर जब इस मिशन में आने वाला था, उससे पहले वो जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसने उसे मना कर दिया होता है। चौंका देने वाली बात ये थी कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एमिली ही होती है। कूपर कैसे भी करके अपनी फीलिंग्स को संभाल रहा था, लेकिन एमिली के ऊपर इन सारी चीजों का कुछ असर ही नहीं पड़ता है। वो तो चुपचाप अपना काम करते जा रही होती है। अब डिनर टेबल पर जब सारे एस्ट्रोनॉट्स आ गए होते हैं, तब एमिली उन्हें एक इंजेक्शन देने लगी थी। कोल के पूछने पर एमिली इंजेक्शंस के बारे में ये बताती है कि इसे अपने बॉडी में इंजेक्ट करने पर ये तुम्हें अंतरिक्ष के माहौल में रहने की ताकत देगा। एमिली बिना कुछ सोचे समझे सभी को ये इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन कोल को डाउट हो रहा था कि ये इंजेक्शन आखिरकार एमिली ने क्यों नहीं लगाया। वेल, अभी इस बारे में कुछ नहीं रिवील किया जाता और इसे सस्पेंस रखा जाता है। अब देखते ही देखते उन्हें वहाँ पर 50 दिन बीत जाते हैं। वो सारे एस्ट्रोनॉट इस माहौल में अपने माइंड को बिजी रखने के लिए अलग अलग गेम भी खेल रहे थे, पर तभी अचानक स्पेसशिप हिलने लग जाती है और लाइट्स एकदम फ्लिकर होने लग जाती हैं। किसी को नहीं समझ रहा था कि आखिर इस सिमुलेशन में प्रॉब्लम क्या हुई है। जब कैप्टन कूपर अपने बाकी एस्ट्रोनॉट दोस्तों के साथ कंट्रोल रूम में गए, तब शायद से उन्हें पता चला कि स्पेसशिप का सिमुलेशन किसी बड़े से एस्टेरॉयड से टकराया होगा, जिससे वो अपने रास्ते से भटक गया है। कमांडर वाल्टर को भी कॉल लगाने की कोशिश बेकार जाती है, यानी कि वो सब पूरी तरीके से फंस चुके थे। लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कैप्टन कूपर को एक तरह से लगने लगा था कि शायद वाल्टर उनका टेस्ट लेना चाहता है कि वो सब ऐसे खतरनाक कंडीशन में कैसे रिएक्शन देंगे। और अब वो सब मिलकर स्पेसशिप में हुए डैमेज को ठीक करने लग जाते हैं ताकि आगे बढ़ सकें। एमिली टाइम टू टाइम सारे एस्ट्रोनॉट्स को वो इंजेक्शन देते ही जा रही थी, पर किसी को ये आइडिया ही नहीं था कि वो इंजेक्शन है क्या। अब एक दिन कॉल अपने सिस्टम पर कुछ काम ही कर रहा होता है, तभी उसे एक अनजान सोर्स से मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि एमिली इंजेक्शन के नाम पर तुम सभी को पॉइजन दे रही है, जो धीरे धीरे करके इंसान को मार देता था। कोल इस बात से थोड़ा घबरा गया था कि आखिर ये मैसेज किसने भेजा है, पर तभी भी वो इन सारी बातों को सीक्रेट रखता है। अब हमें यहाँ बेन दिखाया जाता है, जिसे कि पौधों के अंदर एक छोटा सा चूहा मिला था। बेन इतने समय बाद किसी जानवर को देखकर काफी खुश हो गया था, इसीलिए वो बाकी लोगों के पास उस चूहे को लेकर आ जाता है। पर अब कोल पता नहीं क्यों छोटे से चूहे को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहता है कि इस छोटे चूहे की वजह से उनके स्पेसशिप में खराबी आ सकती है, इसीलिए वो चूहे को तुरंत ही मार दे। लेकिन बेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, भला इतना छोटा चूहा उनका क्या बिगाड़ लेगा। और अब कोल काफी ज्यादा गुस्से में आकर उस चूहे को पकड़कर मार देता है। इस बात पर तो कैप्टन कूपर और कोल के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होने लगी थी। थोड़ी देर बाद दोनों पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं।
कोल का तो कुछ समय तक अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं था, पर जब वो अपने रूम में आकर थोड़ा फ्रेश होने चला गया था, तभी अचानक कोल को अपने चेहरे पर थोड़ा सा खून दिखाई देता है और ये खून तो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। कोल नहीं समझ पाता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, पर थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। दरअसल कोल को बुरी तरीके से हेलुसिनेशन आने लगे थे, इसीलिए एमिली कॉल का अच्छे से चेकअप करती है। यही तरीका यूज करते करते उन्हें यहाँ पर 200 से 300 दिन बीत चुके थे, लेकिन इतने दिनों में उन सभी की मानसिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हेलुसिनेशन के साथ साथ उन्हें एक भी दिन रहा नहीं जा रहा था इस बंकर में, और अब इस पूरे 400 दिन के मिशन को खत्म होने के लिए सिर्फ 35 दिन बाकी थे, लेकिन ये 35 दिन भी सभी को बहुत ज्यादा लग रहे होते हैं। अब एक दिन पता नहीं क्यों सभी को अचानक सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी थी। कूपर तो तुरंत उठकर सभी को चेक करने जाता है कि सारे लोग ठीक हैं कि नहीं। कूपर का शक सही निकला, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण एमिली तो बेहोश ही हो गई थी, जिसके बाद उसने तुरंत अपने टीममेट्स को उठाया और प्रॉब्लम का पता लगाने लगा। कोल कह रहा था कि शायद हमारे स्पेसशिप में छोटा सा होल हो गया होगा जिससे कि ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। वहीं एमिली को एक जगह पर अजीब तरीके का आदमी दिखाई दिया था जो कि एक कंटेनर में से बाहर आ रहा था। सभी एस्ट्रोनॉट जब उस डरा देने वाले आदमी के पास आते हैं, तब उन्हें पता चला कि ये बाहर से आया है, इसीलिए वो चारों डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से बाहर जाकर चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। बंकर का दरवाजा ओपन करने के बाद उन एस्ट्रोनॉट को चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। उन्हें कुछ समझ नहीं रहा था कि आखिर वो पृथ्वी पे है कि कहां पर, इसीलिए इन सारी बातों का अच्छे से पता लगाने के लिए वो चारों छानबीन के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो एक आदमी जेल के पास पहुंच गए थे। जेल उन सभी को अपने शानदार रेस्टोरेंट में आने के लिए इनवाइट करता है। कूपर की पूरी टीम को भूख भी लगी थी, इसीलिए वो वहां पर खाने चले जाते हैं। जेल ने उन सभी को बताया कि मून का एक बड़ा हिस्सा हमारी पृथ्वी से टकरा गया था, जिससे कि पृथ्वी के चारों तरफ एक अजीब तरीके की लेयर बन गई, और इस लेयर की वजह से कोई भी सूर्य की रोशनी यहाँ पर पड़ती ही नहीं। सारी मुसीबतें एक तरफ थी, लेकिन वहाँ कोल एक औरत के साथ जाकर फ्लर्टिंग कर रहा था, और तो और वो अपनी टीममेट्स को छोड़कर उस औरत के साथ डेट पर चला गया। अब हमें यहाँ पर बेन दिखाया जाता है जिसे कि अपने बेटे के हेलुसिनेशन आने लगा था। वो चलते चलते एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर पूरा अंधेरा था, और अब और कोई नहीं जेल उसके सामने आकर बेन को मार देता है, जिसके बाद पूरा सीन कूपर और एमिली के ऊपर था। वो दोनों इतना तो समझ गए थे कि उनके साथ धोखा हुआ है, इसीलिए वो दोनों जल्द से जल्द अपने बंकर की तरफ भागने लग जाते हैं। जेल लगातार उनका पीछा कर रहा था ताकि वो उनके बंकर पर कब्जा कर सके। अंदर पहुंचने के बाद कूपर और एमिली ने ये प्लान बनाया कि वो जिल के लोगों से लड़ाई करेंगे, नहीं तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। जिल तो अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मारता ही जा रहा था, और अब वो अंदर आ चुका होता है बंकर पर कब्जा करने के लिए। एमिली एक सेफ जगह पर जाकर छुप गई थी, और यहाँ कूपर बड़ी बहादुरी से जिल के साथ लड़ाई कर रहा था। हालांकि जिल के सामने कूपर जरा भी टिक ही नहीं पाता। कूपर को पैर पे काफी ज्यादा चोट आ गई थी, और अब ऐसा लग रहा था कि जिल कूपर को जान से ही मार देगा। पर तभी अचानक एमिली पीछे से आकर जिल के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि जिल एक ही बार में नॉकआउट हो गया था, और अब कूपर और एमिली पूरी तरीके से सेफ थे। तब जाकर हमें कमांडर वॉल्टर का एक मैसेज सुनाया जाता है, जो बता रहे थे कि ये सारी चीजें एक सिमुलेशन का हिस्सा थीं, और इस क्रिटिकल कंडीशन को तुम दोनों ने अच्छी तरीके से पास कर लिया है, यानी कि अब उनकी ऑर्गेनाइजेशन इन सारी रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके असली मैन मिशन भेज सकती है, जो अंतरिक्ष में बिना किसी डर के जाएगा और अलग अलग प्लैनेट का रिसर्च करेगा। इसी तरीके से हमारी ये थोड़ी सस्पेंस वाली कहानी यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।